नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में यह समय आपके जीवन में शुभता दे सकता है और कहां पर सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो गोचर के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे उसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस समयावधि में राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले इस समयावधि में ग्रह स्थिति कैसी रहेगी इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 16 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके पंचम भाव पर बुध और मंगल के साथ मौजूद रहेंगे, जिससे बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है और पराक्रम योग का भी निर्माण हो रहा है। उसके साथ साथ इस समयावधि में बृहस्पति और राहु देव आपके राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी हैं और बृहस्पति भी वक्री हैं, राहु भी वक्री हैं, जैसा कि आपको पता है। शनि देव भी वक्री हैं, शनि आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं, कर्म भाव पर प्रभावी हैं, दशम भाव पर शनि गोचर कर रहे हैं। केतुदेव आपके राशि के छठवें भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ये 15 दिन किस प्रकार की स्थितियां निर्मित करने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। वृषभ राशि के जातकों राशि का दशम भाव यानी कर्म भाव करियर के लिए जिम्मेदार है। दशम भाव और आपके राशि का जो छठवां भाव है, दोनों भाव काफी प्रभावी है, काफी बली बना हुआ है। दशम भाव पर शनिदेव मौजूद हैं, शनिदेव स्वस्थ नाम का राजयोग बना के बैठे हुए हैं, तो कर्म क्षेत्र की दिशा में आपका जो प्रयास है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, काफी एक्टिव रहने वाले हैं। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए संभावना निर्मित कर रहा है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो पूर्व समयावधि से ही व्यापार के मामले में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, व्यापार में चौमुखी विकास होने वाला है। सूर्यदेव आपके राशि के त्रिकोण भाव पर प्रभावी हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और इस समयावधि में नए अवसर आप अपने जीवन में आसानी से कर्म क्षेत्र के मामले में लेने में समर्थ रहने वाले हैं। विदेश से संबंधित किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों आपके राशि का जो दूसरा भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध देव आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी हैं, सूर्य के साथ प्रभावी हैं, तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। बुध की दृष्टियां आपके राशि के लाभ भाव पर पड़ेगी, बुध मार्गी हो चुके हैं तो आपके जीवन में अकस्मात धन वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है।
राहु और केतु के दुष्प्रभावों की वजह से राहु द्वादश भाव में थे, तो आपके जीवन में कर्जों की स्थितियां बनी हुई थी, अचानक आपके जीवन में धन की हानि लगातार हो रही थी। ये 15 दिन आपके जीवन में फिजूल खर्ची में कमी करेंगे और आपके जीवन में धन प्रदायक स्थितियों का भी निर्माण करने वाले हैं। वर्तमान समय में बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपकी राशि के शुक्र भाव पर भी बना हुआ है, चतुर्थ भाव पर बना हुआ है। तो यहां पर वृषभ राशि के जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों को, भूमि, भवन, वाहन, इन सुखों को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों, पारिवारिक मामलों में समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में ग्रहों का गोचर आपके चतुर्थ भाव पर हो रहा है, शुक्र भाव पर हो रहा है। शुक्र भाव पर शुक्रदेव प्रभावी हैं, तो यहां पर परिवार में अनचाहे विवाद या अशांति का वातावरण यदि आपके जीवन में बना हुआ है, उससे आपको बाहर निकलने में आसानी होने वाली है। देव गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके जीवन में काफी अनुकूल बना हुआ है, इसकी वजह से आपके जीवन में स्थितियां काफी सकारात्मक बनी हुई रहने वाली है। यदि पूर्व समयावधि में किसी प्रकार के संपत्ति का विवाद आपके परिवार में चल रहा है, उससे निकलने में भी आसानी होने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। बुध आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी होकर राशि के पंचम भाव पर ही मौजूद हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के मन में सकारात्मकता बढ़ने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मन में उत्साह, नवीन उत्साह आपके मन में निर्मित रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों, राशि का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव पर प्रभावी होकर गुजर कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में जीवन साथी का तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। सप्तम भाव पर केतुदेव प्रभावी हैं, तो यहां पर आपको सेहत को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ने वाली है और यह समय आपके जीवन में काफी अनुकूल स्थितियां भी निर्मित करने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है, धीरे धीरे आपको उससे निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों, राशि का जो छठवां भाव है, छठवें भाव के स्वामी आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्र काफी बेहतर अवस्था में है, तो सेहत के मामले में किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको दिखाई नहीं देंगी। वहीं राहुदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर बुरा प्रभाव आपको दे रहे थे, तनाव, घबराहट जैसी समस्याएं आपको दे रहे थे। बृहस्पति आपके जीवन में शुभ प्रभाव आपके द्वादश भाव पर डालेंगे, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या यदि बनी हुई है, बेचैनी की समस्या है, शरीर में कोई समस्या बनी हुई है, पेट जनित प्रॉब्लम है, हड्डियों में समस्या है, इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपकी राशि के लिए इस समयावधि में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए पक्षियों को दाना डालना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ यदि आप करते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है और सकारात्मकता भी आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।